एक ब्रेकिंग न्यूज, बहरापन और कान के तमाम प्रकार के रोग अब असाध्य रोग नहीं रहे हैं। सुनने की क्षमताएं अचानक कैसे बढ़ती है, ट्रीटमेंट कितनी सरलता से होती है, देखें वीडियो। बासंती बहन नमस्ते। और दीदी आपका क्या नाम है? शिवांगी। शिवांगी, मम्मी को लेके आई हो? देखो सचमुच तो मुझे तो कोई परीक्षा भी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, और मैं मानता भी नहीं हूँ बहरापन होता है। आपने कहा मेरे को कम सुनाई देता है या नहीं सुनाई देता, वर्ड कटअप हो गई, तो मैंने दवाई की। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। वेरी गुड। देखो मैं कहूँगा कि आप बहरे थे और नहीं मैं एस्टेब्लिश करूँगा। मैं तो आपको अच्छे लग रहा है वही बात पूछूँगा, ताकि दुनिया को ये विश्वास हो कि बहरापन जैसी चीज़ होती ही नहीं है। समझ गए? आपको क्या अनुभव हुआ आज? पहले तो बहुत कम सुनाई देता था, सुनाई नहीं देता था। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। आप मम्मी की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप आइए सर, इधर सर आइए। हाँ हाँ सर, आपका शुभ नाम क्या है? रमेश भाई। रमेश भाई, आज आपको क्या अनुभव हुआ? अच्छा है, बढ़िया। अब तो आप एकदम पत्नी फर्स्ट क्लास है आपकी। थैंक यू वेरी मच। कुछ दो शब्द आशीर्वाद के दीजिए सर, ब्लेसिंग जरूरी है। हम लोग जो काम कर रहे हैं, दुनिया का कठिनतम काम है। नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट पर विश्वास करना बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने विश्वास की, ये सबसे बड़ी बात है। ट्रीटमेंट करवाई, उससे भी बड़ी बात है। ठीक हो गए, ये सुपर बात है, और सुपर बात को दुनिया के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप बताओ क्या आपको क्या लगा, क्या कहना चाहते हो? सर मुझे तो यही कहना है कि वर्ल्ड में कोई ऐसा होना नहीं चाहिए जिसको सुनाई ना दे। राइट, सभी को सुनाई देना चाहिए। यस, इसलिए ऐसी ही ट्रीटमेंट होनी चाहिए जिसमें कान में दवाई डाल के तुरंत सुनता हुआ करते एक घंटे में। मम्मी को वन आवर्स में रेडी कर दिया ना। थैंक यू बेटा, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। गॉड ब्लेस यू।